अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा, आपने यहाँ पे डेरिवेशन करनी है एक्स के लिहाज से, ठीक है, और आपके पास जो गिवन वैल्यू है सेकेंड पार्ट 2.1 का 2 माइनस स्क्वेयर रूट x है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड एब इनिशियो है, सेकेंड फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड थर्ड वन बाय डेफिनेशन। जो बुक के ऊपर जो आपको मेंशन दिया हुआ है वो बाय डेफिनेशन है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 3 से 4 स्टेप्स हैं। अगर आप वो स्टेप्स अचीव कर लें तो आप इजीली इजीली जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास जो गिवन वैल्यू है 2 माइनस स्क्वेयर रूट x है। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप इस फंक्शन को पहले नाम दे दें, लेट y इक्वल टू 2 माइनस x है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप अब में आप क्या करेंगे, आपने इस क्वेश्चन को में डेल्टा जो है ऐड करना है। अब डेल्टा क्या वैल्यू है, डेल्टा क्या चीज़ है? डेल्टा एक ऐसी मैथमेटिकली एक सिंबल है जिसको आप बहुत ही छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसको इग्नोर भी जो है वो कर सकते हैं। सो इसका सिंबल ट्रायंगल के फॉर्म में भी हो सकता है, इसका सिंबल जो है वो ऐसे एस शेप में भी हो सकता है, तो जैसे आप चाहें इसको लिख सकते हैं। अगर पहले आप इस क्वेश्चन का नाम दे दें, क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है, और सेकंड स्टेप में आप वाई में वाई के लिहाज से डेल्टा वाई ऐड करेंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल 2 माइनस x, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। आपने वाई के लिहाज से डेल्टा वाई ऐड कर दिया और 2 माइनस स्क्वेयर रूट x के लिहाज से डेल्टा एक्स ऐड कर दिया। अच्छा, थर्ड वन स्टेप आप क्या करेंगे, आप अच्छा इसको भी आप क्वेश्चन 2 का नाम दे दें। आप क्वेश्चन 2 में 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक हो गया। अच्छा, क्या करेंगे देखें, वाई प्लस डेल्टा वाई ये क्वेश्चन माइनस वाई, ठीक है, इक्वल वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई की वैल्यू आप अभी आपने जो बनाई है 2 माइनस x प्लस डेल्टा एक्स माइनस इंटू 2 माइनस स्क्वेयर रूट x है, ठीक हो गया। देखें, वाई प्लस डेल्टा वाई ये क्वेश्चन माइनस वाई फर्स्ट वन, ठीक है, इक्वल टू 2 माइनस x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर रूट माइनस इंटू 2 माइनस स्क्वेयर रूट x है। अच्छा, यहां से ये वाई और ये वाई कैंसिल हो गए, तो बाकी जो बचा है वो आपके पास डेल्टा वाई है। उसके बाद इक्वल यहां पे क्या करेंगे, 2 माइनस x प्लस डेल्टा माइनस हो तो अंदर साइन चेंज होते हैं, 2 प्लस स्क्वेयर रूट x आ गया। अच्छा, यहां से आप देखें माइनस 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो डेल्टा वाई इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स हो गया, इसको पहले लिख लें, ठीक है। उसके बाद माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास जो थर्ड स्टेप में जो वैल्यूज आई है, डेल्टा वाई स्क्वेयर रूट एक्स है माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। अब आपने क्या करना है, यहां पे आपने एक स्टेप देखना है कि आपके पास न्यूमरेटर में जो है वो डेल्टा डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई कॉमन रहे आए या उसके अंदर मौजूद रहे, तो
उसके लिए एक स्टेप है, आप इस स्टेप को जैसे आपने पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन, वो है जो है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। देखें अगर मैं करता हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स हो गया, ठीक है, अगर सम नेगेटिव है प्लस लगाएंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, और ऊपर नीचे एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखें बेसिकली ये एक फार्मूला है ए, ये देखें ये पूरे का पूरा ए है माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, ठीक है, ये आप लोगों ने शायद नाइन्थ या टेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा। तो क्या करेंगे आप एक काम करें, डेल्टा वाई इक्वल, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा ये वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर की आप वैसे ही लिख देंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है, ये जो है स्क्वायर रूट हो गया। अच्छा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ऊपर आपके पास जो वैल्यू आई है वो है एक्स माइनस, अच्छा बाहर साइन नेगेटिव है तो अंदर साइन चेंज होगा, एक्स एक्स माइनस डेल्टा एक्स, और अवर में जो वैल्यू वो वैसे की वैसे ही रहेगी, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। अच्छा यहां से एक्स और एक्स कैंसिल हो गए, आपके पास जो वैल्यू बाकी बची है डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स हो गया, अवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, सॉरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर रूट है। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने जब आपके पास आवर से ऊपर जो वैल्यू में डेल्टा एक्स आ गया है तो यहां से आपने लिमिट जो है वो अप्लाई कर देनी है, तो लिमिट अप्लाई करते हैं। देखें अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप एक काम करें, आप दोनों क्वेश्चंस में डेल्टा एक्स डिवाइड कर दें, देखें डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा तो क्या करेंगे, डेल्टा वाई आवर डेल्टा एक्स आ गया इक्वल यहां पे माइनस डेल्टा एक्स जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू थी, डेल्टा एक्स आ गया और एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, ठीक हो गया, यहां से डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। अब आपने यहां पे लिमिट जो है वो अप्लाई कर देनी है, अप्लाइंग लिमिट बोथ साइड्स, ठीक हो गया। अच्छा अगर मैं लिखता हूं इसको लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा वाई अवर डेल्टा एक्स आ गया इक्वल, अगर यहां पे आपने लिमिट अप्लाई की है तो आप यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो और यहां पे माइनस वन अवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। अच्छा ये जो पूरी आपके पास जो क्वेश्चंस है ये बेसिकली इक्वल है डी वाई ओवर डी एक्स के, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वन वैसे ही स्क्वायर रूट एक्स प्लस, जहां जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे आप क्या करेंगे जीरो मेंशन कर देंगे, एक्स प्लस जीरो हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो माइनस वन, इसको आप लिख सकते हैं टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स है, और यही आपका बेसिकली गिवन आंसर है। अच्छा अब आपने जो चीज फाइंड की है बेसिकली आपने एक्स के लिहाज से डेरिवेशन ली है
वाई की। तो आपके पास जो गिवन आंसर आया है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वन टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है।